हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी, चटपटी चटनी। उसके लिए लिया है मैंने एक मुट्ठी ये धनिया धोकर अच्छे से ले लिया है, और आधा मुट्ठी मैंने ये पुदीने के पत्ते लिए हैं। देखिए आप, इनको अच्छे से धो लिया है। तीन हमने हरी मिर्च ली है, जितना तीखा आपको चाहिए। मैं थोड़ी सी ये चटपटी बनाने वाली हूँ तो मैंने ये तीन हरी मिर्च ली है। 6 to 7 मैंने ये गार्लिक क्लव्स लिए हैं, लहसुन की कलियां। 1 इंच हमने अदरक को ऐसे बारीक धोकर अच्छे से काट लिया है। आधा नींबू लिया है, 1 टेबलस्पून चना दाल लिया है, आधा चम्मच काला नमक है, आधा चम्मच जीरा है, और थोड़ा सा सफेद नमक, रेगुलर नमक है, कुछ आइस क्यूब्स हैं। नमक जो है आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये लेमन हटा देंगे क्योंकि ये जूस हम बाद में डालेंगे, और इसमें हम डाल रहे हैं ये सारा धनिया और पुदीना इसके अंदर। चटनी जार में डाल लेंगे हम। ये देखिए, इसमें हम ये अब चना दाल और नमक और जीरा ये सब डाल देंगे। ये चना दाल ना रोस्टेड है तो ये बाइंडिंग का काम करेगी, और इसमें साथ में हम ये थोड़ा ठंडा पानी और आइस क्यूब डाल देंगे, इससे चटनी का कलर जो है वो ग्रीन रहता है। तो आइए इसको ग्राइंड करते हैं, और ये देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। इसमें अब हम डालेंगे ये लेमन जूस, आधा नींबू का हमने निकाल के रखा था। अगर आपको कम लगता है तो आप और ज्यादा डाल सकते हैं। और मैंने इसमें ना नमक देख लिया चेक करके, नमक जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट था, थोड़ा सा बस 1 पिंच हमें डालना पड़ा। तो आप ऐसी स्टेज पर चेक कर लें नमक को, और ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। और जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है ना आपको, उतना पानी रख लें। तो ये देखिए चना दाल डालने से ना ये बिल्कुल ऐसे अलग अलग नहीं है, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो गई है। ये देखिए, तो एक बार मैं और चला देती हूँ और फिर करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी यम्मी सी चटनी बनकर तैयार है। कितनी फ्रेश है, कितना सुंदर कलर आया है, क्योंकि हमने इसमें आइस डाली, ठंडा पानी डाला, नींबू डाला, और यकीन मानिए बहुत चटपटी और बहुत टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। इस समय बरसात का मौसम है, पकौड़े के साथ खाइए, दही भल्ले पर डालकर खाइए, पापड़ी चाट में खाइए, पराठे के साथ खाइए। यम्मी सी चटनी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।